हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम फिर से और थोड़े से हाउस प्लांट्स के नाम जो है देखेंगे। और पहले जो हमने सीखे हैं, जो मैंने आपके साथ वीडियो डिस्कस किया, आई विल आल्सो लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन, उसको भी हम रिवाइज कर लेंगे। बट बिकॉज टुडे इज़ अ संडे एंड आई एम शूटिंग, आई वुड लाइक टू इनकरेज यू ऑल फ्रॉम अ स्मॉल वर्स फ्रॉम द होली बाइबल। इट इज़ फ्रॉम द लेटर ऑफ पॉल टू द फिलिपींस, चैप्टर 4 वर्सेस 4-6। Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. So in today's world, we are so anxious about so many things, but the Bible really gives us a nice example of not being anxious about anything. Come, we'll start the video and यहाँ से start करते हैं। तो ये सबको ही पता होगा, नागफनी, स्नेक प्लांट। इसके बाद जो ये छोटा सा आप देख रहे हैं, this again is a snake plant. Now remember, these are the Dracaenas, they are no more Sansevieras. तो इनको हम अगर ये स्नेक प्लांट है, ये अब it's no more Sansevieras, they are the Dracaenas. This again is a small Dracaena, मतलब it's a snake plant. फिर ये देखिए, ये प्लांट इट इज़ यूज जनरली इन हेजेज एंड ऑल, ये आपने बहुत कॉमनली देखा होगा। थोड़ा धूप अच्छी लगती है तो रेडिश टाइप का हो जाता है। ये भी कॉमन है इन लॉन्स एंड गार्डन्स, एंड हेज प्लांट के नाम से आप इनको याद कर सकते हैं। नहीं तो इनका जो नाम है, व्हाट आई नो देम बाय इज़ ऑल्टिनेंथेरा, ठीक है, ऑल्टिनेंथेरा। और फिर एक एंथूरियम होता है, वो अलग है। और जो डॉग फ्लावर्स होते हैं, उनके नाम जो होते हैं वो भी अलग है, बट इट्स समवॉट सिमिलर। बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आप बस हेज प्लांट के नाम से इनको याद रखिए, हेज प्लांट या ऑल्टिनेंथेरा। नेक्स्ट, फिर ये मोंडू ग्रास, फिर से ऑल्टिनेंथेरा। ये रियो है, जीजी, जो कॉमन है उन्हीं की बात करूंगी, जो मेरे गार्डन में कॉमन है उनकी बात नहीं करूंगी। पर्पल हार्ट, इसमें बहुत सुंदर से प्यारे प्यारे पर्पल कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, पर्पल हार्ट। अरेलिया, मनी प्लांट, ट्रेडिस कैंडिया या वॉन्डरिंग ज्यू, ठीक है। फिर से अनदर वैरायटी ऑफ स्नेक प्लांट, ड्रेसीना। This here, what you're seeing is not very common, but yes, it is common. I find कि almost every house has adeniums, indoor outdoor house plant की तरह। तो adenium, ठीक है, desert rose या adenium। इसका कॉडिक्स देखिए कितना अच्छा मोटा है। Then jade is another common house plant। Eranthemum, ये eranthemums हैं मेरे, ये एक variety है। फिर ये एक वैरायटी है, ये अलग है, और ये भी एक वैरायटी है ऑफ एरांथमम। नेक्स्ट देखिए, ड्रेसीना, मार्जिनाटा, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस अर्लियर आल्सो, नीचे एक बड़ा प्लांट है। फिर ये है मिनी चंपा, इसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स निकलते हैं, पिनव्हील टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, पिनव्हील प्लांट भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पर यह है टर्टल वाइन। Enjoy Pothos, मनी प्लांट की एक वैरायटी, इसको धूप चाहिए फॉर इट्स कलर्स टू शो। एंड ये जो है, ये है सिंगोनियम, पिंक सिंगोनियम, दिस ऑल्सो रिक्वायर्स सनलाइट फॉर इट टू शो इट्स कलर्स। आगे चलते हैं, और ये देखिए, ये शफलेरा, इसको आप अम्ब्रेला प्लांट के नाम से भी बोल सकते हैं। अब कन्फ्यूजन ये भी होता है बहुत बार, जैसे there's a tree called Estonia, तो Estonia has very much, the leaves are very similar to Shafflera. I really got confused कि क्या इसका tree version is that Estonia, but ऐसा नहीं है। I have not come across any such link between the two. They are different. Umbrella plant है ये, वो umbrella tree होती है, तो थोड़ा सा आपको careful रहना होगा, it's a shrub, ये छोटा ही रहेगा। शफलेरा, नहीं तो ये वैरीगेटेड है, येलो एंड ग्रीन, इसमें और भी थोड़े बहुत अलग कलर्स आते हैं, शायद वाइट भी आता है। एस्टोनिया की पिक्चर मैं कहीं इंसर्ट कर दूंगी तो आपको पता चल जाएगा, काफ़ी सिमिलर लगते हैं ये, तो कंफ्यूज मत होइए, ये तो हाउस प्लांट है, वो तो ट्री है।
फिर अगेन ढेर सारा ट्रेडर्स कैंडिया। तो ये देखिए ये अलग है एंड ये वाला जो है नीचे ये अलग है। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए किसी में पर्पल ज़्यादा है किसी में वाइट ज़्यादा है। फिर यहाँ पर एक क्रोटन है, ये है क्रोटन एग्लोनिमा, हाँ ठीक है क्रोटन क्रोटन मनी प्लांट। फिर ये देखिए ये दीज आर न्यू परचेजेस, दीज आर ऑल्सो समवट कॉमन स्वीट पोटैटो वाइन्स, ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन्स, दे आर नॉट एडिबल आई डोंट नो, बट मैं किसी वीडियो में देख रही थी तो उन्होंने कहा कि इसकी रूट्स जो हैं काफ़ी हद तक दे आर वेरी सिमिलर टू स्वीट पोटैटो, बट वेन इट इज़ सेड इट्स ऑर्नामेंटल आई विल सजेस्ट कि कोई भी प्लीज़ इनकी रूट्स को खाए वाए ना, टेस्ट ना करे, कुछ भी हो सकता है। बहुत सी चीज़ें जो है हम देख लेते हैं, वी डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेज एंड वी वेरी ब्लाइंडली फॉलो एवरी थिंग दैट वी सी ऑन यूट्यूब, तो ऐसा ना करें, इसे ना खाएं। ये ऑर्नामेंटल है एंड उसी पर्पज़ से लाई गई है, मैं इसको खाने वाने वाली नहीं हूँ ना मैं किसी को सजेस्ट कर रही हूँ थ्रू दिस वीडियो। क्रोटन नेक्स्ट अगेन इज क्रोटन। फिर ये देखिए ये अपराजिता की बेल है, मैं लेके आई, मेरे पास नहीं था, बहुत प्यारी सी डेलिकेट सी है एंड आई एम वेटिंग फॉर इट टू फ्लावर, बट आई डोंट नो कि इस साल मुझे मिलेगा कुछ या नहीं, मे बी नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा। तो ये है अपराजिता, इट्स अ ट्रेलिस प्लांट। देन अगेन क्रोटन, क्रोटन्स आर कॉमन इसलिए मैं आपको सारी वैरायटी दिखा रही हूँ। अब यहाँ देखिए ये ड्रेसिना है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है ग्रीन वाला एंड इसके बगल में जो है ये एग्लोनिमा, अगेन अ हार्डी वैरायटी। हवर्थियाज अगेन अ कॉमन, उसके बाद सिंगोनियम की एक वैरायटी। ये वैरायटी जो है गाइस ये बहुत अब इट्स बिकमिंग रेयर नाउ, इट यूज़ टू बी वेरी कॉमन बट ये चीज़ें अब आपको बहुत जल्दी से नर्सरीज में नहीं मिलेंगी, ये रेयर होती जा रही हैं, दे आर जस्ट मूविंग आउट स्लोली। तो बहुत ये चेरिश्ड प्लांट्स हैं हमारे, अरेलिया। फिर अजवाइन भी हाँ थोड़ा सा कॉमन है, ये अगेन देखिए फिर ट्रेडर्स कैंडिया यहाँ पे। ये कैक्टसेस के बारे में आई विल नॉट टॉक, दे आर नॉट कॉमन। नियॉन पोथोस, दिस ऑल्सो रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट टू शो इट्स कलर्स। हवर्थिया अगेन एंड ड्रॉप स्नेक प्लांट छोटा वाला। अब नीचे देख लेते हैं फिलोडेंड्रॉन, उसके बाद बैम्बू पाम, ये बैम्बू पाम है कॉमन है थोड़ा सा। फिर ये छोटा वाला जो है स्नेक प्लांट है और ये देखिए दोनों रियो हैं, ये वैरीगेटेड है ये वाला, दिस इज़ वैरीगेटेड, दिस इज़ द नॉन वैरीगेटेड, थोड़ा सा इट्स स्ट्रेच्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लाइट। बेबी टीयर्स इज ऑल्सो कॉमन, आई फील इट्स अ कॉमन प्लांट। क्लोरोफाइटम स्पाइडर प्लांट, ये थोड़ी अलग टाइप की है, क्लोरोफाइटम है स्पाइडर प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट यूफोर्बिया मिली ड्रॉफ, सॉन्ग ऑफ इंडिया वैरीगेटेड, शफलेरा ग्रीन, ठीक है शफलेरा ग्रीन, फिलोडेंड्रॉन यहाँ पर फिलोडेंड्रॉन है और फिर वही पीछे सिंगोनियम। यहाँ फिर से देखिए स्पाइडर प्लांट क्लोरोफाइटम। अब इसमें और इसमें कन्फ्यूजन होता है, बहुत बार लगता है ये और जो वो स्पाइडर प्लांट है दे बोथ आर स्पाइडर प्लांट्स, दिस इज नॉट अ स्पाइडर प्लांट, दिस इज़ अ पैंडनस, इसको कहते हैं पैंडनस, दोनों डिफरेंट है। इसका रूट स्ट्रक्चर देखिए और इसके जो पप्स आएंगे वो नीचे से आते हैं, नीचे से शायद आ भी रहा है, बट क्लोरोफाइटम में जो पप्स आते हैं इफ़ आई कैन शो यू कि ऊपर की तरफ आते हैं, ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यू कैन नोटिस कि क्लोरोफाइटम में सच कुछ रूट्स नहीं दिखती हैं मदर प्लांट की, पैंडनस में दिखती हैं, बट दिस ऑल्सो इज़ अ वेरी गॉर्जियस ब्यूटिफुल हाउस प्लांट वर्थ हैविंग इन योर गार्डन, रियली लाइटन्स अप द स्पेस। यहाँ भी कुछ प्लांट्स हैं वही मैं जो कॉमन है वो बताऊँगी, जीजी और ये पेंसिल कैक्टस भी सम वॉट इज क्वाइट कॉमन। देन ये तोरी तोरी जैसे प्लांट्स जो हैं ये स्नेक प्लांट है एंड ये नीचे जो है सैंजवेरिया सॉरी ड्रेसिना बॉन्सिल या स्टारफिश स्नेक प्लांट, सैंजवेरिया मैं सैंजवेरिया बोल के ड्रेसिना समुराई भी बोलते हैं इसे इसके शेप की वजह से। ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, बहुत अच्छा चल रहा है इसका पप जो है वो भी, इनको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, वेरी ब्यूटिफुल टू लुक एट एंड न्यू लीव्स आ रही हैं, बहुत सुंदर लग रहा है एज वेल एज बहुत
इफ़ यू आर समबडी हु लीव्स योर हाउस वेरी फ्रीक्वेंटली, यू लव टू ट्रैवल, हैव दीज प्लांट्स, दे विल एक्ट सो मच ऑफ टेक्सचर, कलर एज वेल एज केयर भी नहीं चाहिए, तो चल जाते हैं आराम से. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई वॉज शूटिंग एट अ टाइम कि जब देर इज़ धूप तो लाइटिंग अच्छी होती है. आई होप काफ़ी कुछ आपको. ओह हाँ, एक प्लांट मैंने छोड़ दिया, ये विक्टोरियन रसीना है एंड दिस ऑल्सो इज़ वाइडली यूज इन डेकोरेटिंग लॉन्स, हाउसेज, इंडोर्स. वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्रिटी. ऐसे ही लंबा होता जाता है इसका, ये स्टेम मोटा हो जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है. तो वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आज आप देख रहे हैं. एक मैं जो है रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ट्राई शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सो दैट यू नो इट माई आ कम्युनिटी इन बिकम्स अ लिटिल बिगर. आई एम वेरी हैप्पी विद द व्यूअरशिप आई हैव, बट इट विल बी अ ग्रेट आइडिया इफ यू ऑल कैन शेयर माई वीडियो विद योर मोर गार्डनर फ्रेंड्स एंड इट विल हेल्प मी ऑल्सो टू मेक मोर वीडियोज, इट विल बी अ गुड इनकरेजमेंट. इसके बारे में भी शायद आई हैव शेयर, दिस इज़ अगेन अ ड्रेसीना. ठीक है, तो ये था छोटा सा वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी संडे.